व्हाट्सअप पीपल इज रितेश बैक विद अनदर न्यू कूल वीडियो। तो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। उसका रीज़न है कि एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स के बाद ये कोरोना वायरस, तो एग्ज़ाम्स तो मेरे पोस्टपोन हो गए, तो कोरोना सभी भी है, तो सबको पता है कोरोना वायरस कहाँ से आया है, तो उसके प्रिकॉशंस भी बहुत सारे, जैसे कि हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें करनी चाहिए, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइज, जितना हो सकता है उतना हैंड सैनिटाइज करते रहो, मास्क लगा के घूमना जहाँ भी घूमना होगा, तो हैंड सैनिटाइजर लेके घूमना चाहिए। बस बहुत सारे रीज़न है जिससे हम कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। तो और सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है 21 दिन तक, तो हमें घर पे ही रहना चाहिए, जितना हो सकता है हम घर पे रहे, सेफ रहेगा हम सब लोग के लिए। और कुछ वीडियोज़ जो कि वायरल हुई थी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, क्योंकि कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, उनके साथ ऐसे सब कुछ हो रहा है। तो अपनी वीडियो देखी, जैसे लोगों के साथ सब लोगों को पीट रहे पुलिस, क्यों? क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए, कहाँ भी बाहर जाना नहीं चाहिए, कुछ रीजन्स होगी तभी बाहर जाना चाहिए, नहीं तो घूमना नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारी वीडियो जो कि फेक वीडियोस, जैसे गया है कि कोरोना वायरस का इलाज उन्होंने खोज लिया है। दरअसल उनका ये दावा है कि गौमूत्र पीने के बाद जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो रोका जा सकता है। तो आइए, तो आपने देखी वीडियो, ये सब फेक्स वीडियो है, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि ये सब फेक है। आज मैं न्यूज़ पे देखा मैंने जो वीडियोस वायरल हुई थी वो सब फेक वीडियोस। तो प्लीज़ घर पे रहो, जितना हो सकता है उतना सेफ रहेंगे आप। हाथ मिलाना बंद कर दीजिए, पहली बात। मैं कोरोना के बारे में आपको कुछ भी वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है, उसको लगता है मुझे कोरोना नहीं है, वो फिर वापस से घर जाए, कुछ नहीं कोरोना से। कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है? जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है। बैठे हो आप इधर पे? कल से बैठे हैं हम लोग। तो क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम? ये भैया, कहीं ना ट्रेन चालू, ना कोई बस चालू, ना कोई ऑटो, कैसे जाएंगे अपने घर? तो आप लोग कुछ दिन तो अभी गांव नहीं जाने की मना किया गया है, तो आपने मतलब ट्रेन चालू नहीं, अंदर आप नहीं आ सकते। तो आप बंबई में घर पे क्यों नहीं रुक रहे आप लोग? बंबई में हम लोग का कोई घर नहीं है ना, हम लोग का कोई घर नहीं, हम लोग कमाने को आते हैं यहाँ पे। हम लोग को आए थे भैया, बोले गाँव चले जाओ करके। तो खाना पीना कैसे आप लोग? वो लोग तो अपने घर चले गए, अब कल जाके इधर बैठा है, कैसे जाके? दो तीन दिन से यहीं पे बैठे हैं सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। यहाँ क्या काम करने आए थे? सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, दिल्ली में इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। कब से बैठे? तो आप सबने ये वीडियो देखी जो कि लोग कैसे किसी की बात सुन रहे नहीं है, तो उनके साथ ऐसा सब हो रहा है। तो बस मैं स्टे होम, तो बस जितना हो सकता है उतना हमें घर पे रहना चाहिए। बस आप जितना हो सकता है उतना सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स सबके साथ वीडियो शेयर करो। तो बस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब किया तो घंटी बजाना भूलना मत। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए